नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ताजा मामला ललितपुर जनपद सदर कोतवाली क्षेत्र नेहरू नगर का है, जहां एक महिला द्वारा एक व्यक्ति पर झूठे बलात्कार के आरोप में फंसाकर और ब्लैकमेलिंग कर 10 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसे युवक द्वारा 9 लाख रुपए दे दिए गए थे। उसके बाद बाकी 1 लाख के लिए महिला द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। वहीं इस मामले में बता दें कि महिला भी क्लिनिक पहुंची थी और दोनों पक्षों में ही बहस हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बहन और भाई ने क्लिनिक में ही जहर खा लिया, जिससे दोनों मूर्छित हो गए। ये नज़ारा देख मौजूद वहां के लोग गायब भी हो गए और परिजनों द्वारा दोनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, और जहां भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है, झांसी मेडिकल कॉलेज में ही रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर और महिला दोनों पर मामला दर्ज कर लिया है। आरती नाम की महिला है, उसका पति लक्ष्मण, दोनों छोटे भैया को बार बार मुकदमा 2376 में फंसा चुकी। एक बार 5 लाख रुपया ले ली थी, इन्हें राजीनामा करे। दूसरी बार कहने लगी हमें 10 लाख रुपया दो, अपने अकाउंट पे पैसा था 10 लाख रुपया, ये हमने 9 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया कागज के जो हते सो चंद चांदी डॉक्टर ने रख लिया कागज के, तुम 1 लाख दे दे, उसे तुम्हें कागज दे दे। उसके बाद इनने चांदी डॉक्टर ने स्कूटी दुआ दी हुआ 1 लाख में, वे कागज भी नहीं दे रहे। आरती कह रही हम तुम्हें फिर मुकदमा में फंसवाए। हरदोई की शहर कोतवाली इलाके में पिता पुत्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, और पुलिस ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई लाइसेंस राइफल को भी, तमंचे कारतूस और हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। और मामूली विवाद में बाद में ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि मृतकों के परिजन समेत ही 3 लोग घायल हो गए थे, जिनका इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। और पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया गया कि बांस का डंडा सिर पर प्रहार किया गया था, और एसपी ने जानकारी दी है कि सभी को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूरे मामले में पुलिस अन्य आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें, हरदोई से खबर है, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई है, और पिता पुत्र की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 26/10 को थाना कोतवाली शहर में ग्राम भदैचा है, उसमें रहने वाले एक बाबू सिंह, उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और साथ ही साथ उनके परिवार के 2 लोग और एक पड़ोस में रहने वाले को घायल कर दिया गया था। इस संबंध में जो घायल पुत्र है उसकी तहरीर पर गांव के ही गुड्डू सिंह, उनके 2 पुत्र और एक परिवारी को नामजद किया गया था। इनकी जो है हरदोई पुलिस द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के लीडरशिप में कई टीमें गठन की गई थी इनके अरेस्ट के लिए, जो कि विगत रात्रि में जो इसमें मुख्य अभियुक्त है गुड्डू सिंह व उनके 2 पुत्र गिरफ्तार किए गए। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक महिला के मुंह पर ईंट लगी है, जिसका मेडिकल के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया है, और देर रात्रि की बताई जा रही है। वहीं क्षेत्र अधिकारी दीपक का कहना है कि तनाव को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात है, और चोटिल महिला का 4-5 लोगों पर आरोप है कि झगड़े की सूचना पाकर महिला अपने बच्चे को देखने गई थी, और इसी दौरान आरोपियों ने उसके मुंह पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित महिला कमलेश घायल हो गई। और घायल महिला कमलेश ने शांति, विष्णु, कन्हई, सूरज और लड्डन आदि पर ही हमला करने का आरोप लगाया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि COCT ने गंभीरता को लेते हुए सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। भारी पुलिस बल शांति व्यवस्था के लिए मौके पर तैनात है।
तो आपको घटना बता रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में दो पक्ष आपस में गुट गए थे, जहां पर महिला पहुंची अपने बच्चे को देखने के लिए, जिसके बाद महिला भी चोटिल हो गई है। महिला पर ईंट से हमला किया गया है। फिलहाल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए ही पुलिस मौके पर तैनात है। कुछ ना हुआ, बच्चों में देखने गई मैं लड़ाई में, मैंने की कोई मेरा बच्चा तो ना है, मैं दूसरे के बच्चे को मार के ला रही है, तो मेरे चौका मार दिया फिर इधर के गली के, शर्मा जी की गली के। मैं ये चाहती हूँ क्या ऐसा हर वक्त ही थोड़ी वो चलता रहेगा ये झगड़ा, बच्चे लेकर भर भी रहेंगे, एक सभी पिस रहे हैं, सिगरेट धीमर पिस रहे हैं, क्या बात में पिस रहे हैं। थाना मुकलपुरा के लालबाग चौकी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में आपस में तनाव होने की वजह से आज यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है। इस संबंध में पुलिस बल तुरंत मौके पहुँची है, तो मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई है। इसमें एक व्यक्ति को चोट लगी है और व्यक्ति का मेडिकल कराया जा रहा है, कराने के पश्चात अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर किस इसके पहले कोई विवाद नहीं रहा है, इसमें दो पक्षों में आपस में तनाव है और इसी वजह से उनके बीच में लड़ाई हो रही है। इस संबंध में आज ये घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति को चोट लगी है, संबंधित धाराओं में भी पंजीकृत किया जा रहा है। अलीगढ़ के गबाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रिश्तेदारी में मौत में शामिल होने जा रहे परिवार का टेम्पो खाई में जा गिरा, जिसके बाद सड़क हादसे में करीब एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सड़क हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया है। वहीं टेम्पो में अधिक सवारी होने के कारण टेम्पो जो था अनियंत्रित हुआ था। आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरांचल में ही धूमधाम से मनाया जाता है, और वहीं भारत नेपाल सीमा पर बसा महाराजगंज जनपद भी छठ पूजा की तैयारी के रंग में पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। जिले के गांव से लेकर कस्बों तक छठ पूजा की धूम रहती है और लोग इसे धूमधाम के साथ मनाते हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार श्रद्धालुओं को छठ घाटों पर पूजा की अनुमति मिली है, जिससे लोगों में भारी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। और जनपद में छठ पूजा के प्रति आस्था देशी ही नहीं बल्कि नेपाली समुदाय के साथ अन्य धर्म से जुड़े हुए लोगों में दिखाई देती है और लोग इसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाते हैं। और मैं ऐसे तो नेपाल की बासिंदा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी नौतन्ना यूपी में रह रही हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो कम से कम 20 वर्षों से छठ का त्यौहार मना रही है। उनके प्रति, प्रकृति के प्रति श्रद्धा का अभाव है उनका। और ये त्यौहार कार्तिक के शुक्ल से ही स्टार्ट हो जाता है। प्राग चतुर्थी के दिन कद्दू भात होता है, पंचमी के दिन खीर भात पूड़ी खरना होता है, फिर षष्ठी के दिन वो अर्ध दिया जाता है। एक दिन पहले ही जाके घाट में वेदी वगैरह पावन तरीके से तैयार किया जाता है, लीपा पोता जाता है। सहारनपुर की मिर्जापुर पोल में मौजूद ह्यूमन केयर डेजिग्नेशन लैब का मिर्जापुर पोल प्रधान प्रतिनिधि हुसैन ने फीता काट कर लैब का शुभारंभ किया है। और प्रधान प्रतिनिधि हुसैन ने बताया है कि इस लैब के खुल जाने से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। डॉक्टर शोभित और तस्वर ने बताया है कि कस्बे में पैलोथोलॉजी की सुविधा अच्छे स्तर पर ही दी जाएगी और कार्यक्रम में नीरज सैनी, तुषार कांत और मंसूर चौधरी, नौशाद चौधरी, जमशेद चौधरी और इसके साथ ही आपको बता दें कि नदीम चौधरी गालिब आदि वहां पर मौजूद रहे। चाहते हैं और ताकि आम आदमी और जो आखिरी सिटीजन है देश का उसको भी अच्छी सुविधाओं का लाभ मिले। यहां पर सभी अच्छी मशीनें लगाई गई हैं और जो भी बाकी हैं उनको भी हम इंस्टॉल करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही इस लैब को एक अच्छे स्तर पर लेके जाएंगे। वेल ट्रेन टेक्नीशियन होंगे, अच्छी डॉक्टर के द्वारा अप्रूव्ड रिपोर्टें से करना।
खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोशंदेहपुर गांव के ही गंगा घाट पर स्नान करते वक्त दो युवक डूब गए और गंगा में डूबे दोनों युवक आपस में चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि स्थानीय गाँव निवासी ओम गिरी और सुजीत गिरी घाट पर ही पूजा की वेदी बनाने गए थे और इसके बाद दोनों गंगा स्नान कर रहे थे कि डूब गए और थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ही गोताखोरों की मदद से दोनों का शव बरामद कर लिया है। मौके का निरीक्षण करने सीओ और एसडीएम भी पहुंच गए। श्रावस्ती के ही भिनगा कोतवाली अंतर्गत भखला घाट में ही युवक के राप्ती नदी में कूदने का मामला सामने आया है। चौथे दिन नदी से ही युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम ने ही राप्ती नदी से शव को बरामद कर लिया है। मंगलवार की शाम भखला पुल से ही नदी में युवक कूद गया था। दरअसल बताया जा रहा है कि पत्नी से लड़ाई के बाद ही घर से नसीब अली भागा हुआ था, जिसके बाद अब शव बरामद किया गया है। तो आपको श्रावस्ती की खबर बता रहे हैं, जहां पर युवक का शव चार दिनों के बाद नदी से बरामद हुआ है। युवक ने नदी में कूदकर जान दी है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। घर के कलेश से परेशान था युवक, जिसके बाद पत्नी से लड़ाई होने के बाद युवक का चार दिनों के बाद शव बरामद हुआ है। अमेठी में जिंदा गोवंश को आग लगाकर जलाने का प्रयास किया गया है। जी हां, तहसील परिसर में ही युवक ने गोवंश पर आग से हमला कर दिया और मौके पर मौजूद भीड़ और खाकी तमाशा देखती रही, जिसके बाद अब अमेठी तहसील से दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो जो था वो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गौ पर हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिंदा गोवंश को आग लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारी संख्या में लोग भी मौजूद वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।